प्रफुल्ल घोड़कर एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है लेविजेनिंग एलजे चार्ट्स का क्लिनिकल लैबोरेटरी में महत्व। वैसे इस टॉपिक पर इंग्लिश वर्जन हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है, मगर आज यह हिंदी वर्जन हमने अपने हिंदी भाषिक विद्यार्थियों के लिए बनाया है। हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे एलजे चार्ट्स के बारे में। एक, इंट्रोडक्शन परिचय। दो, इम्पॉर्टेंट टर्म्स यानी कि एलजे चार्ट्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ। तीन, एलजे चार्ट्स बनने की प्रक्रिया। चार, एलजे चार्ट्स का क्लिनिकल लैबोरेटरी में क्वालिटी कंट्रोल के लिए कैसा वापर होता है इसकी जानकारी। और पांच, आपके लिए वाइवा वोजे क्वेश्चंस। अब हम चर्चा करेंगे एलजे चार्ट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टर्म्स शब्दों के बारे में। पहले क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी सीरम के बारे में। क्यूसी सीरम डायग्नोस्टिक बायोमेडिकल कंपनी बनाती है और यह पाउडर फॉर्म में होता है, और वापर करने के पहले इसमें आवश्यक मात्रा में डिस्टिल्ड वाटर या डीआयोनाइज वाटर से मिक्स करके तैयार किया जाता है। फिर यह बिल्कुल पेशेंट के सीरम के जैसा लगता है। फर्क इतना है कि इसके सारे घटकों का परिमाण मापे हुए मीन्स डिटरमिन्ड होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एजीपीटी, एजीओटी वगैरह वगैरह। हर एक पेशेंट के बैच सैंपल के साथ एक सैंपल कंट्रोल सीरम का भी होता है टेस्टिंग के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक क्यूसी सीरम के यूरिया का वैल्यू है 42 मिलीग्राम परसेंट और पेशेंट के सीरम यूरिया बैच के साथ इसका वैल्यू जब 42 मिलीग्राम परसेंट के एकदम नज़दीक है, जैसे कि 38 to 45 के दरमियान, तो इसका मतलब है कि पेशेंट के यूरिया टेस्ट वैल्यूज बराबर हो सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। यह है एक स्टैटिस्टिकल टर्म। ये बाजू में एलजे चार्ट का ग्राफ देखिए, यह बीच में जो लाइन है वह क्यूसी सीरम के घटक की एवरेज वैल्यू दर्शाती है। और सीरम का घटक पहले मैंने बताया, वैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो सकता है। एवरेज वैल्यू के ऊपर वाली लाइन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज वैल्यू के नीचे की पहली लाइन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन दर्शाती है। जब क्वालिटी कंट्रोल सीरम की टेस्ट वैल्यू जब निकलती है, तो जब वह स्टैंडर्ड डेविएशन +1 और स्टैंडर्ड डेविएशन -1 के दरमियान रहती है, जो बाजू में दिखा है वैसे, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के सारे टेस्ट से जुड़े हुए सर्व व्यवहार अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि पिपेटिंग, मिक्सिंग, इंक्यूबेटिंग, रीडिंग, कैलकुलेशन और मशीन के सारे व्यवहार। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बाद में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चलो अब देखते हैं कि एलजे चार्ट्स कैसे बनते हैं एक इमेजिनरी सीन क्रिएट करके। इसके लिए उदाहरण के तौर पर हम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट का उदाहरण लेते हैं। यह टेस्ट आप सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर या फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर से कर सकते हैं। ऐसा भी समझते हैं कि आज महीने का पहला दिन है और ग्लूकोज टेस्ट के लिए आप एक स्टैंडर्ड के साथ एक क्वालिटी कंट्रोल सैंपल भी रखेंगे। जब पेशेंट के ग्लूकोज वैल्यू रिपोर्ट होते हैं, तब कंट्रोल सीरम का भी रिपोर्ट मिलता है। और समझो आज की 1 तारीख की कंट्रोल सीरम की रिपोर्ट वैल्यू है 95 मिलीग्राम परसेंट। अब आप बाजू में दिखाया है वैसे टेबल तैयार करो और कॉलम ए में 1 तारीख के लाइन में हॉरिजॉन्टल कॉलम में 95 मिलीग्राम परसेंट लिस्ट करो। दूसरे दिन 2 तारीख को अगर कंट्रोल सीरम की वैल्यू है
100 मिलीग्राम परसेंट, तो वह भी कॉलम ए में हॉरिजॉन्टल कॉलम में 2 तारीख के लिए लिखो। ऐसे ही 20 तारीख तक ए कॉलम में कंट्रोल सीरम के ग्लूकोज वैल्यूज़ लिखो। एक बात ध्यान में रखो कि एलजे चार्ट के लिए कम से कम 20 क्वालिटी कंट्रोल सीरम के वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। अब कॉलम ए के सभी ग्लूकोज वैल्यूज़ ऐड करो। इस उदाहरण में यह टोटल है 2001। इसे 20 से डिवाइड करके एवरेज वैल्यू निकालो, तो एवरेज वैल्यू है 100। अब एक तारीख की ग्लूकोज टेस्ट की वैल्यू जो 95 है, वह एवरेज वैल्यू से माइनस करो, तो यह वैल्यू है 95 - 100 = -5। यह -5 अब आप कॉलम बी में एक तारीख के हॉरिजॉन्टल कॉलम में लिस्ट करो, जैसे बाजू में दिखाया है। ऐसे ही 2 तारीख के लिए बी कॉलम की वैल्यू है 100 - 100 = 0। इस तरह से कॉलम बी पूरा करो। अब कॉलम बी के पहले दिन की वैल्यू जो है -5, उसका स्क्वायर करो और वो है 25। यह 25 अब आप कॉलम सी में एक तारीख के हॉरिजॉन्टल कॉलम में लिस्ट करो, जैसे बाजू में दिखाया है। इस तरह से 20 तारीख तक बी कॉलम के सभी वैल्यूज स्क्वायर करके जैसे बाजू में दिखाया है वैसे टेबल में सी कॉलम में लिस्ट करो। अब कॉलम सी के वैल्यूज की टोटल करो और यह टोटल है 159। इसे 20 - 1 मीन्स 19 से डिवाइड करो और इसका उत्तर है 8.37। अब 8.37 का स्क्वायर रूट निकालो और उत्तर है 2.89। अब यह राउंड अप करो और उत्तर है 3.0। तो यह है आपका HD+1 और फिर HD-1 = -3। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है 9। अभी एक ग्राफ पेपर ले लो और यहाँ दिखाया है वैसे ग्राफ के बीच में ग्लूकोज एवरेज वैल्यू जो मीडियन है 100 मिलीग्राम परसेंट, वह लाइन ड्रॉ करो और यह लाइन दर्शाता है ग्लूकोज एवरेज वैल्यू। फिर मीडियम लाइन के ऊपर +1 HD दर्शाने वाले लाइन ड्रॉ करो और मीडियम लाइन के नीचे -1 HD दर्शाने वाली लाइन ड्रॉ करो। इस तरह से +2 और -2 HD और +3 और -3 HD के लाइंस भी ड्रॉ करो। इस तरह यहाँ एक बात आपको जानने की ज़रूरत है कि कंट्रोल सीरम के हर एक घटक जैसे ग्लूकोज यूरिया वगैरह, इनकी पहले से ही एवरेज वैल्यू मौजूद होती है और ऑटोमेटेड मशीन को यह वैल्यू फीड करने के बाद ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट से ग्राफ इस तरह से चालू रहता है। पहले दिन की स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू उस दिन पेशेंट के रिपोर्ट के साथ ग्राफ पर इस तरह से प्लॉट होगी और दूसरे दिन की, तीसरे दिन की ऐसे ही HD वैल्यूज प्लॉट होती रहेगी और यह सब प्लॉटेड पॉइंट्स जुड़ते रहेंगे। इस एग्जांपल में एक्स एक्सिस दिन रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस ग्लूकोज की स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं और पूरा LJ चार्ट दिन ब दिन ऐसे ही दिखते रहता है। अब यह LJ चार्ट देखो, कंट्रोल सीरम यूरिया का। इसमें क्या दिखता है, कंट्रोल सीरम के वैल्यूज 1 तारीख से 30 तारीख तक मीन मीडियन लाइन के आजू बाजू में 1 + 1 और ± स्टैंडर्ड डेविएशन के रेंज में काफ़ी नज़दीक दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट के रिपोर्ट्स पूरे महीने में सही आए हैं, एक्यूरेट, और पेशेंट के रिपोर्ट से जुड़े हुए लेबोरेटरी के सारे व्यवहार जैसे कि सैंपल पिपेटिंग, रिएजेंट पिपेटिंग, मिक्सिंग, इनक्यूबेटिंग, रिपोर्ट कैलकुलेटिंग वगैरह सभी अच्छी तरह से क्वालिटी कंट्रोल में चल रहे हैं। अब देखते हैं
लेविजेनिंग चार्ज का क्लिनिकल लेबोरेटरी में क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल होता है। पहले यह लेविजेनिंग चार्ट देखो, इसमें क्या दिखता है। चौथे दिन का कंट्रोल सीरम का वैल्यू +1 और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रेंज है 90 to 110, इससे काफ़ी बाहर रिपोर्ट हो रही है। इसे रैंडम एरर कहते हैं। ज़्यादा ऐसा एरर सेमी ऑटो एनालिसिस के वापर में दिख सकता है, क्योंकि सैंपल पिपेटिंग टेक्नीशियन करता है। गलती से अगर 4 तारीख को ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल सीरम सैंपल पिपेट हुआ है तो कंट्रोल सीरम की वैल्यू ज़्यादा रिपोर्ट होगी। तो यह इशारा है टेक्नीशियन के लिए कि सावधानी से काम करें, इससे लेबोरेटरी डायरेक्टर का आप पर भरोसा कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि रैंडम एरर अगर फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर में दिखता है तो उस दिन के सारे ग्लूकोज टेस्ट के वैल्यूज देखने चाहिए। दिन में ज़्यादातर रीडिंग नॉर्मल रेंज में आते हैं, जो प्लाज्मा ग्लूकोज के लिए है 70 to 110 मिलीग्राम्स परसेंट। अगर 4 तारीख को सभी पेशेंट के रीडिंग्स 110 के ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर इसमें खराबी आई है और उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है और वापस सारे पेशेंट के टेस्ट रिपोर्ट करने चाहिए ये बैच रिपीट करके। इसी एलजे चार्ट में 9 तारीख के बाद देखो, क्वालिटी कंट्रोल सीरम के 9 और 15 दिन के दरमियान जो ग्लूकोज के वैल्यूज है वो एवरेज मीडियन लाइन के सब ऊपर दिख रहे हैं। इसका भी ये मतलब है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड और कैलिब्रेटर को अभी बदले करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें शायद खराबी आ चुकी है। अब यह एलजे चार्ट देखो, क्या दिखता है। क्यूसी सीरम ग्लूकोज के वैल्यूज़ कभी एकदम मीडियन लाइन के काफ़ी ऊपर तो कभी एकदम मीडियन लाइन के काफ़ी नीचे +1 और -1 HD का लिमिट छोड़कर दिख रहे हैं। इसे कहते हैं स्कैटर ऑल ओवर। यह ज़्यादातर सेमी ऑटो एनालाइजर पर काम करने वाले नए टेक्नीशियन के वजह से हो सकता है। उसे सैंपल और रिएजेंट पिपेटिंग कितनी प्रैक्टिस नहीं है, तो उसे अपना सैंपल पिपेटिंग टेक्निक में एक्यूरेसी लाने की ज़रूरत होती है। अब यह एलजे चार्ट देखो, इसमें 7 तारीख के बाद क्यूसी सीरम ग्लूकोज के सारे रिपोर्टेड वैल्यूज मीडियन लाइन से नीचे दिख रहे हैं और दिन ब दिन नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। इसे ड्रिफ्ट इन द कंट्रोल सीरम वैल्यूज कहते हैं। इसका मतलब है एक तो कंट्रोल सीरम खराब हो रहा है या प्राइमरी स्टैंडर्ड और कैलिब्रेशन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहे हैं और अब नया प्राइमरी स्टैंडर्ड या नया कैलिब्रेटर यूज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो एक ही सेम बैच का कंट्रोल सीरम सैंपल। अब यह एलजे चार्ट देखो, इसमें 7 तारीख के बाद के सारे क्यूसी ग्लूकोज के वैल्यूज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के लाइन में लाइन के आजू बाजू में दिख रहे हैं। इसका मतलब एक तो ऑटोमेशन के कैलिब्रेशन में बदलाव आया है, नहीं तो क्वालिटी कंट्रोल सीरम भी सीरम की ग्लूकोज की वैल्यू घटकर अब स्टेबल है या प्राइमरी स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर अब स्टेबल है। इस तरह वर्किंग सिस्टम में सुधार करने के लिए जो नेसेसरी चेंज करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे पेशेंट को एक्यूरेट टेस्ट रिपोर्ट मिले। वेल, मैंने आपके साथ आज एलजे चार्ट्स के बारे में इन सारे मुद्दों पर चर्चा की। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यह 3rd edition मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का ज़रूर पढ़िए। इसमें 6 नंबर chapter 6 में क्वालिटी कंट्रोल के बारे में और लेविजेनिंग चार्ट्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। आपके और कोई प्रश्न है तो आप मुझे इस हमारे चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आप यह सब वाइवावोजी प्रश्न के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि प्रश्न 1 है,
कि कंट्रोल सीरम का क्या मतलब है और उसका इम्पोर्टेंस। दो नंबर का प्रश्न है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तीन नंबर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एलजे चार्ट्स, एलजे चार्ट्स का क्या महत्व है। चार नंबर का प्रश्न, मीडियन का मतलब क्या है। पाँच नंबर का प्रश्न, रैंडम एरर्स आप एलजे चार्ट्स पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पाँच, एक्सेसिव स्कैटर का क्या मतलब है एलजे चार्ट्स में। क्वेश्चन सिक्स, ड्रिफ्ट इन कंट्रोल वैल्यूज का क्या मतलब है एलजे चार्ट्स में। और नंबर सेवन, शिफ्ट इन कंट्रोल वैल्यूज का क्या मतलब है एलजे चार्ट्स में। तो आप यह हमारा एजुकेशनल वीडियो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मैं आपके लिए और एक नए विषय पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ और सुरक्षित रहिए और खुशी से अपना ऑनलाइन अध्ययन जारी रखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।